हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। लेकिन आज है गोवर्धन पूजा, तो हैप्पी गोवर्धन आप सबको, आप सबके पूरे परिवार को मेरी तरफ से। तो यहाँ सुबह का ब्लॉग हो जाता है चालू, और सुबह से मैंने पहले गोवर्धन को गोबर मंगाया था थोड़ा। यहाँ गोबर तो मिलता नहीं, लेकिन कुछ प्रयास करके मंगा लिया। तो पहले रखे थे मैंने गोवर्धन घर ही में। अब उनको रख के, हमारे यहाँ पूजा होती है तो पहले रख के उसके बाद नहाएंगे, नहा धो के तब करेंगे पूजा। तैयार रख गए, देख लीजिए गोवर्धन। तो गोवर्धन पूजा करके फिर मैंने नहा धो के और पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि आज कल तो थी नहीं पूजा, ग्रहण पड़ रहा था, तो आज है। तो ऐसे ही गोवर्धन की पूजा करते हैं हमारे यहाँ। आप देख लीजिए आपके यहाँ कैसे होते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताया करिए, और कमेंट करके प्लीज़ कमेंट किया करिए। यहाँ आ गई हूँ मैं नहा के, सुबह का टाइम हो गया है, करीब 8:30 बज रहे हैं, और दिन है बुधवार, और तारीख है कितनी, 26 तारीख है, 26। मैं नहा के आ गई हूँ, अब करूँगी पूजा, और आज है गोवर्धन पूजा। तो हैप्पी गोवर्धन सबको मेरी तरफ से, छोटे बड़ों बड़ों को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। और सुबह से अब करेंगे पूजा, पहले अपने लड्डू गोपाल की, फिर गोवर्धन की, और आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, क्या क्या होता है, कैसे पूजा होती है, और हम अपने तरीके से। तो ये देखो मैं यहाँ पर हो रही है मेरी पूजा, ये बैठे हैं नहा धो के, करेंगे पूजा और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ मेरी हो रही पूजा लड्डू गोपाल जी की। तो पहले लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के मेरी बिटिया रानी ने रख दिया है। थोड़ा जल्दी हो जाती है, क्योंकि 1 घंटा से लग जाता है इनकी पूजा सेवा में, भोग में, प्रसादी में। तो इस वजह से अगर वो नहला देती है तो इस मुझे थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो इसे नहला के कपड़े वपड़े पहना दिए, इनको ऊपर रख के आराम से इनकी पूजा आरती करेंगे। या भी दर्शन कर लीजिए, देखिए। और बहुत लोग कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, क्या हम ऐसे कमेंट मत किया करिए प्लीज़। भगवान को तो जिस भाव में देखो उसी भाव में दिखते हैं। यहाँ मेरी लग रही मावर, तो मावर और मांग में सिंदूर लगा कर ही पूजा करते हैं हमारे यहाँ तो गोवर्धन की। और अब बनाएंगे वो आटे की बनती है चिरैया, सो वो खाएंगे बनाने के लिए, बना के, और उसमें बोला नहीं जाता है, बिना बोले ही इसको बनाना पड़ता है। और बना के फिर इसको जब तक खा नहीं लेते हैं तब तक बोलना बंद रहता है, बिल्कुल बोलते नहीं है हमारे यहाँ। तो इसको बनाएंगे, पहले कढ़ाई में रख दिया पानी, और पानी में बनाते हैं। पानी जब खोलता रहेगा तो पानी खोलते खोलते पानी में इसमें इसके पेट में रख दिए बच्चे, तो बच्चे खाते नहीं हैं, हाथ पैर और ये सब खा लेंगे उसके, बाकी सब फेंक देंगे ऊपर। और इसको कैसे पूजा करते हैं आप प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है, तो आप लोग देखा करिए प्लीज़ वीडियो को पूरा, ज़रूर देखा करिए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करिए प्लीज़, जिससे हमारी वीडियो देखते रहिए। अब यहाँ हो गई बनके, देखो रेडी, मैंने आपको दिखाया, इस वजह से पूरी बनके हो गई रेडी। उसकी आँख वाँख लगा देंगे, और इसको आँख वाँख लगा के इसको आराम से कढ़ाई में पानी में, वो पानी खूब खौलता है उसी में डाल दी जाती है, बन जाती है फिर ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। इसे पलट देते हैं, पानी में डाल, अब डाल के इसको बन जाएगी। यहाँ मेरी मावर देखो हो गई लग के तैयार। अब बांधेंगे बाल, और बाल बांध के थोड़ा सा मांग में सिंदूर लगाएंगे। और सुबह से तो कभी बाल ही नहीं बन पाते मेरे, जब से मैंने वीडियो बनाना चालू, वैसे भी अब जल्दी तो त्यौहार है तो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं अब उससे त्यौहार, क्योंकि ऐसे पूजा पाठ तो ऐसे नहीं करते हैं, मांग में सिंदूर और मावर लगा के ये पूजा होती है, तो ये पूजा ऐसे ही करेंगे। तो मावर लगा लेंगे और सिंदूर भर लेंगे मांग में, और अब ये मेरी बन के हो गई तैयार। तो इसको जो है अब इसको वहाँ रख लेंगे पूजा के पास, और सारी सामग्री रख ली है, वही जो खील खिलौने गट्टे होते हैं उन्हीं से पूजा होती है। तो पहले अब कलश का दिया ले रख दिया है, जो लक्ष्मी जी के पास रखा था वही रख लेते हैं। तो उसको रख के,
और ये सब व्यवस्था बना ली है, सारा पूजा सामग्री वही धूप बत्ती सिंदूर माचिस यही सब लगता है, दिया रख लिया एक, और उसको सब पूजा करके विधान से गोवर्धन महाराज की। और बहुत लोग मेरे भाई और बहनों वहाँ गोवर्धन भी जाते हैं, जो लोग नहीं जा पाते तुम्हारे यहाँ तो एक रीत है ये ऐसे पूजा करने की, तो ऐसे अपने घर में कर लेते हैं और शाम को इन्हें उठा के बाहर रख दिए जाते हैं, फिर ये पूर्णिमा तक वही रखे रहते हैं। कोई उन्हें उठा के गाँव में तो लोग इन्हें खेतों में डाल देते हैं, अब यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं तो सुखा लेंगे, और क्या सुखा के गमलों में डाल देंगे, शहरों में तो यही होता है कि गमलों में डाल देते उठा के, फिर उनके सब गोबर जो है वो पास के काम आ जाती है, वो बढ़िया खाद बन जाती है। तो यहाँ मेरी हो रही पूजा, मेरी बिटिया रानी क्लिप बनाई है, तो प्लीज़ कोई कोई गलती हो जाती तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, हाँ आप मुझे सपोर्ट करिए, आपसे यही प्रार्थना है, आप वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, बहुत सी बहनें जो हैं वो गलत कमेंट करती रहती हैं, तो आप प्लीज़ जब दिक्कत होती तो क्यों देखती है, मत देखिए करिए वीडियो, आवाम से भी ऐसे लोग पड़े हैं जो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते उल्टे सीधे, हमने तो कोई उल्टा सीधा वीडियो नहीं बनाया, अभी नए हैं, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप सपोर्ट किया करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताया ज़रूर करिए। यहाँ हो रही पूजा, अभी हो जाएगी पूजा, इसलिए मैंने आप क्लिप थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन पूजा पूरी दिखा दी है मैंने आप लोगों को। अब इसके बाद बनाएंगे खाना, वही कड़ी चावल बनता है, फिर उनका भोग लगेगा भगवान जी का, फिर इनका भी भोग लगेगा, तब हम लोग खाएंगे खाना। हो गई पूजा, बनाएंगे कड़ी चावल रोटी, यही खाना बनता है आज, और कल भैया दूज है, सब मैंने अपने भाई के तिलक करेंगी जाके, यहाँ जो गौर माता मैंने पहले एक मिट्टी की बना के रखी है, तो गौर माता से ले लेंगे सिंदूर और उनको अपना सुहाग ले लेंगे। ये देखो मैं खा रही हूँ, अब वो जो गए खिलौने मीठे होते हैं दीपावली वाले दिन, उसी के साथ खाए जाते हैं। ये देखो बन रही मेरी कढ़ी, यहाँ मैंने बेसन को पहले ही फेंट के रख दिया था, बन जाएगी कढ़ी। कढ़ी बना के कढ़ी बन रही पकौड़ियाँ बनाएंगे, उसमें छोंक देंगे और लस्सी को थोड़ा बेसन डाल के मथ लेंगे हाथ से, कमेंट जरूर करा करिए प्लीज़, और कमेंट से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए प्लीज़, और वीडियो लास्ट तक देखा करिए, बीच में मत छोड़ा करिए स्किप करके। ये देखो बन रही मेरी पकौड़ियाँ, आपको पास से दिखाते हैं, और ये मेरी विंडो जो है बाहर धूप आती है, इस वजह से सिर्फ क्लियर फोटो नहीं आता है, क्योंकि रात में लाइट और खिड़की हो जाती है बंद, और लाइट की आती रोशनी तो रात में साफ आती है, थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी हम नए हैं तो नए के हिसाब से वैसे ही है, फिर व्यवस्था धीरे धीरे बना लेंगे, और छोटी सी किचन है इस वजह से दिक्कत होती है बहुत। और हो गई दीपों का त्यौहार दीपावली, और कैसी गई प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कैसी गई सबकी दीपावली, अच्छी भी थी होगी, भगवान करे सबको बढ़िया सुख समृद्धि मिले। एक तरफ वो बीच में बन रहे चावल, और एक तरफ मेरी बन रही चाय, क्योंकि सुबह से चाय पी नहीं है, पूजा पाठ करके अब पियेंगे चाय, और उधर चावल बन गए हैं, इधर पकौड़ी बन रही है, पकौड़ी बन जाएगी कढ़ी बना लेंगे और रोटियाँ सेक लेंगे, बस भगवान जी को भूख लगा लेंगे। उससे मैंने कहा कि जगह है कम किचन में, से दूध उठा के रखे आएगी बाहर मेज पे, तो थोड़ी जगह हो जाएगी। यह देखो कड़ी हो रही बन के तैयार, उधर जीरा भूनेंगे, मेथी थोड़ी डालेंगे, और उसमें लस्सी बना ली है,
लस्सी बना के उसको छोंक देंगे। और कढ़ी की वही तो सब लोग एक ही जैसा बनाते हैं, लेकिन बस यही है कि अपने काम करने का तरीका सबका अपना अपना अलग है, किसी का किस तरीके से, किसी का किसी तरीके से, हमारा इस तरीके से है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए, बस इतने कह रही हूँ आपसे। बन गई कढ़ी, राधे राधे। हेलो गाइस, आप मुझे जानते होंगे, मेरा नाम चीकू है। आप लोग देख रहे हो ना, मुझे भूख लग रही थी, मुझे खाना नहीं मिला था तो मैं पौधे खाने आ गया हूँ। मम्मी को मत बताना, मम्मी मारेगी। मज़ा आ रहा है बहुत। ओ यम 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 यम। अरे सॉरी सॉरी, मैं गिर गया, लेकिन मैंने कुछ पकड़ लिया। थैंक यू गाइस मुझे देखने के लिए। बाय बाय, मैं फिर मिलूँगा।